नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी ए राजेंद्र अरोड़ा है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक एडवांस रूलिंग के ऊपर है। हम जानते हैं एडवांस रूलिंग की परसुएसिव वैल्यू है। दोस्तों, परसुएसिव वैल्यू कैसे, कि जो भी एडवांस रूलिंग सॉर्ट करता है, ये एडवांस रूलिंग सिर्फ उसी के ऊपर लगती है, ठीक है जी, और किसी के ऊपर नहीं लगती। लेकिन एक परसुएसिव वैल्यू होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो जरूर होती है। तो आज की जो एडवांस रूलिंग है वो गोवा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की है, जिसमें गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो एप्लीकेंट है और उसने एक सवाल पूछा है। मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं उसके बारे में। गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो बेसिकली एक लैंड अलॉट करने का सोचा और सात अलॉटीज उसने लिए, उसने डिपॉजिट रिसीव किया और एक एससीजेड बनवाने की बात की। और एससीजेड जो है लेकिन बाद में लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया तो गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को वो पैसे रिफंड करने पड़ गए। एप्लीकेंट्स जिन्होंने वो जो डिपॉजिट दिए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं पैसे जो है आप हमें, सिर्फ पैसे नहीं, हमें इसके ऊपर तो कंपनसेशन भी चाहिए। दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 8.25% पर एनम जो है वो कंपनसेशन अवार्ड किया, जो भी डिपॉजिट जीआईडीसी को उन डिपॉजिटर्स ने दिया था फॉर दी अलॉटमेंट ऑफ द लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफ एससीजेड। तो उसके बाद जीआईडीसी जो है वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास गया और उसने पूछा कि क्या ये जो पैसा जो कंपनसेशन मैं दे रहा हूं, क्या ये टैक्सेबल है? अगर ये टैक्सेबल है तो किस रेट पर है? तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इस बात को एनालाइज किया और उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये समझने की है, क्या ये सप्लाई है? तो उन्होंने कहा भी सेक्शन 7 की कंडीशंस पूरी होती हैं, ये जो है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, फॉर ए कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन जीआईडीसी ने पैसा दिया और जो सामने वाले जो डिपॉजिटर्स थे, जो जिनको प्रोस्पेक्टिव लैंड अलॉटमेंट करना था, उन्होंने अपना जो क्लेम है इन द अलॉटमेंट ऑफ द लैंड वो विकेट किया। तो कहीं ना कहीं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है एंड क्विड प्रो क्यू भी है, फॉर अ म्यूचुअल कंसिडरेशन भी है। तो उसने कहा कि ये जो है वो सप्लाई है और टैक्सेबल है और उन्होंने इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात जो ये है कि इन्होंने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने, गोवा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इसको शेड्यूल 2 में पैरा नंबर 5 के क्लॉज ई में फॉल कराया, जहां पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act. इसके अंदर इसको फॉल कराया, जिसकी वजह से ये सप्लाई ऑफ सर्विस बना। ये क्लॉज भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है इस तरह के वेकेटिंग ऑफ क्लेम में, टॉलरेटिंग एन एक्ट में। तो ये मुझे लगा कि एक इंपॉर्टेंट एडवांस रूलिंग है, जो कि एक जनरल इशू को एड्रेस करती है और हमें समझाती है कि किसी भी ट्रांजेक्शन की टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन की जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और COVID-19 से लड़ने के लिए एकजुट रहें, साथ रहें, अपने आप को बचाएं, लोगों को बचाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।